प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपको आदर और सम्मान करते हैं मेरे चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन आपके प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करता है, उनके जीवन में प्लेस करिए पिता परमेश्वर। उनके परिवार में, उनके घर में, फैमिली में, माता पिता, भाई बहन, जो भी उनके परिवार में सदस्य है पिता मेरे यहोवा परमेश्वर, आज उनको आप चंगा करेंगे पिता परमेश्वर। आज उनको ब्लेस करेंगे। उनके परिवार में दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में पड़ा है पिता परमेश्वर। उनके घर में बीमारी आ चुकी पिता, इस मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, हे मेरे राजा और उद्धारकर्ता, आपने इस धरती आकाश को पिता परमेश्वर आपने बनाया है। सब कुछ आपके हाथों की रचना है पिता परमेश्वर। इस समय संकट में चल रहा है पिता परमेश्वर, देश और दुनिया और संसार पिता परमेश्वर, और इस देश में जो लोग है पिता परमेश्वर, इस संसार पे, इस पृथ्वी पर जो लोग है पिता परमेश्वर, बहुत दुख और मुसीबतों का सामना करना पड़ पा रहे हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। धन्य मेरे राजा उद्धारकर्ता। आज पिता परमेश्वर आपकी इस प्रार्थना में पिता परमेश्वर, आप हमें ऐसा वचन दीजिए पिता परमेश्वर, शक्तिशाली वचन दीजिए पिता परमेश्वर, कि हम इस वायरस से लड़ सके पिता परमेश्वर। और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की जो आशाएं हैं पिता परमेश्वर, आप उसे पूरी करने चाह रहे हैं मेरे चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर। किसी मसीह भाई बहन को नौकरी की जरूरत है पिता परमेश्वर, उसको जॉब चाहिए पिता परमेश्वर, उसके घर में तकलीफ है, मुसीबत है पिता परमेश्वर। हे मेरे राजा उद्धारकर्ता, जीवन और स्वास्थ्य देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपको आदर और सम्मान करते हैं मेरे चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर। आज के दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, कि आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर। आज उनके घर में पिता आशीष हो पिता परमेश्वर, आशीष को पाए पिता परमेश्वर, घर में उनके हर प्रकार की बरकत हो पिता परमेश्वर, पैसे से लेकर के, खाने से लेकर के, अनाज तक लेकर के, हर एक समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे मेरे चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर संभाल कर रखा है, क्योंकि आपने उसे ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया, समझ दिया, सब कुछ परमेश्वर आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आपके हर एक मसीह भाई बहन आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिनके परिवार में कर्जा हो चुका है पिता परमेश्वर, जो लोग दुख है, तकलीफ में, मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो लोग कर्जे से डूब चुके हैं मेरे परमेश्वर, आज उनको ब्लेस करेंगे आप, उनको आशीष देंगे, उनको हर प्रकार के कर्जे से निकाल करके बाहर फेंकेंगे पिता परमेश्वर, उसको बाहर निकाल करके रखेंगे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर हमें इतनी ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य दी है पिता परमेश्वर, कि हम हर एक मुसीबत से लड़ सकते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज जो बेटे और बेटियां विश्वास करते हैं और कमेंट करके कहते हैं पिता मेरे खुदावन, उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए, उनके माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और दुआ करता हूं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। हे मेरे प्रभु उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे खुदावन, कि आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर उनके जीवन ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। खुदावन, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज के इस प्रार्थना में जो वचन हो पिता परमेश्वर, वो आपकी से हो पिता परमेश्वर। इस वायरस पिता परमेश्वर, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में पिता परमेश्वर, हमारा देश पिता परमेश्वर बहुत पिता परमेश्वर दुखों से, तकलीफ में झेल रहा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, और जिनके घर में खाने के लिए नहीं है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। हे मेरे राजा उद्धारकर्ता, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, धरती आकाश को बनाने वाले पिता परमेश्वर, सबको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले पिता परमेश्वर, सबको ताकत देने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहन आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर, उसके जीवन को ब्लेस करिए मेरे परमेश्वर, उनके हर समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, जैसे आपने पिता परमेश्वर दुख और संकट के समय में इस तरीके हमारी मदद किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें एक वचन दिया है पिता परमेश्वर, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 121 और वचन नंबर, परमेश्वर आपने बहुत सामर्थ्य मुझे वचन दिया है पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना में मैं शामिल कर पाऊं पिता परमेश्वर, और भजन संहिता आपने 91 पिता परमेश्वर मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर भजन संहिता अध्याय 91, यहां पे दाऊद हमें समझाते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन को लेकर के, कहते हैं कि जब आपके देश में, आपके शहर में, आपके गाँव में, आपके दिल में, आपकी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, जब आपको मानसिक तनाव से चोट पहुंचे, तो परमेश्वर के वचन को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। आज हमारा परमेश्वर
हमेशा रक्षक है। हमें विश्वास है, हमारे हर एक मसीह भाई बहन को विश्वास है पिता मेरे खुदावन। आज के इस समय के लिए पिता परमेश्वर बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, आपने धरती आकाश को बनाया पिता परमेश्वर, आपने पृथ्वी को रचा पिता परमेश्वर। इसी प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को हमारे सामने रखा पिता परमेश्वर। हम आपको धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर। जिनके परिवार में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है पिता परमेश्वर, उनके परिवार की आप रक्षा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने धरती आकाश को बनाया है पिता परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर हम आपके वचन को जब पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, हमें इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, इतनी सामर्थ्य मिलता है आपके वचन में पिता परमेश्वर, कि किसी प्रकार का कोई वायरस, कोई इन्फेक्शन, किसी प्रकार की कोई बीमारी, वो हर एक प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का वायरस खत्म हो जाएगा इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज हमें विश्वास करने की जरूरत है परमेश्वर के वचन पर, लेकिन परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर हमारा रक्षक है, इसीलिए परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। आज मैं जो भी वचन इस प्रार्थना में परमेश्वर की ओर से पिता परमेश्वर शामिल करने पाऊं पिता परमेश्वर, आप उस वचन को दीजिए पिता परमेश्वर। आपके बेटे और बेटियां ब्लेस होंगे, उनको आशीष दें, उनके परिवार में दुख में, संकट में, जो भी उनके घर में है, लोग हैं और सदस्य हैं पिता, बीमार हैं, दुख में, तकलीफ में पड़े हैं पिता, इस मसीह के नाम से आज चंगे हो जाएंगे। उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर हर एक मुसीबत अपने घर में बैठा है पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और इस समय पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर देश अच्छे तरीके से चलने लगे पिता परमेश्वर, उनको नौकरी की जरूरत होगी, उनके घर में, परिवार में पिता परमेश्वर, उनके जो लोग बीमार हैं उनके लिए पिता परमेश्वर पैसे की आवश्यकता है पिता परमेश्वर, खाने के लिए नहीं है पिता परमेश्वर, और जो लोग हैं पिता परमेश्वर उनके हर प्रकार की समस्याओं को पिता परमेश्वर देखते हैं। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप तो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आप उनको हर प्रकार के कर्जे से मुक्त करें मेरे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, उनको दुख से मुक्त करें मेरे परमेश्वर, उनको मुसीबत से हटा करके रखें मेरे परमेश्वर, उनको बचा करके रखें। आज मैं पूरे देश के लिए, आज पूरे संसार के लिए, आज पूरे पृथ्वी मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन मिलकर के आपसे प्रार्थना करता है, धन्यवाद करता है मेरे जिंदा जीवते। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जब हम पढ़ते हैं वचन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 1 में परमेश्वर आपने कहा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर आज यहाँ पे कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और परमेश्वर हमसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, कि आपके स्थानों पर हर एक मसीह भाई बहन बैठा है और विश्वास करता है मेरे परमेश्वर खुदावन, जो परमेश्वर के वचन पे हमेशा बना रहेगा वह जीवन भर हमेशा सुख पाएगा और सुखी रहेगा, परिवार में, घर में, खेती में, पैसे में, दौलत में, नाम में, शोहरत में, सब में परमेश्वर उसको सुखी रखेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और जो परमेश्वर के वचन में हमेशा बना रहा और बना रहेगा उसी का जीवन हमेशा बना रहेगा, उसके परिवार में खुशियां आएंगी, उनके बच्चे अच्छे होंगे, उनके परिवार में बहुत समृद्धि आएगी, ताकत आएगी, ज्ञान रहेगा, बुद्धि रहेगी, समझ रहेगी, लोग उनकी बातों को समझेंगे, बोलेंगे, आज उनको लोग जानेंगे ये परमेश्वर का बंदा है और परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए खुदावंद हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से, कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा जो भी मुसीबत में, तकलीफ में, मुसीबत में पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करिए, उसको आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्य पिता परमेश्वर कि आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना को करने पाए पिता परमेश्वर, आप हमें इतनी सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है वो जिंदगी भर हमेशा सुख में रहेगा, उसका जीवन हमेशा सुखी रहेगा, जो परमेश्वर के वचन में बना रहेगा और विश्वास करेगा और प्रार्थना करेगा मेरे खुदावन। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम एक मसीह भाई बहन के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अपने घरों में बैठे हैं, अपने घर में मुसीबत से चल रहे हैं पिता परमेश्वर, दुख से, तकलीफ से चल रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो लोग चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं पिता, उनको आप ब्लेस करने जा रहे हैं, उनको आप आशीष करने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आज उनको हर प्रकार की समस्याओं को आप खत्म करने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर आपके वचन में, आपकी प्रार्थना में पिता परमेश्वर वो शक्ति है पिता परमेश्वर, सामर्थ्य है पिता परमेश्वर, जो आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो। आपने पिता 5 में कहा है पिता परमेश्वर, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन उसको उजाड़ता और दोपहर में किसी प्रकार की समस्याओं को खड़ा
करता है। परमेश्वर हमारा कहता है कि जब कहीं भी तुम जाओ, इस पृथ्वी पर किसी भी कोने में रहो, जो इस पृथ्वी शैतान और दुष्ट आत्माओं का अनेक प्रकार की अंधकार की शक्तियां हैं, परमेश्वर इससे बचाएगा। जो भी संसार में अनेक प्रकार की अंधकार की शक्तियां हैं, निर्बलताएं हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, दुष्ट आत्मा है, रोगाणु है, विषाणु है, बहुत सारी समस्याएं हैं, परमेश्वर हमें बचा करके रखेगा। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं तेरे बेटे को और तुझे बचा करके रखूंगा, तेरे परिवार को, तेरे घर के हर सदस्यों को बैठा कर रखूंगा। परमेश्वर ने कहा है कि अपने स्वर्गदूतों को मैं आज्ञा दूंगा कि तेरे घर के चारों ओर पहरा लगा करके मेरे स्वर्गदूत रहेंगे। लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि जब मुझसे तो प्रार्थना करेगा, विनती करेगा और परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखेगा, भरोसा रखेगा, परमेश्वर आपको विश्वास करेंगे, विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आज इस सुंदर से समय के लिए हमारे बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपके वचनों के द्वारा हम प्रार्थना को करने पा रहे हैं। पिता परमेश्वर आज उनको ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, किसी भी कोने में, किसी के देश के किसी भी कोने में बैठे हैं पिता परमेश्वर, कहीं पर हो पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदावन आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज उनके परिवार में पिता परमेश्वर खुशियां लाएंगे पिता परमेश्वर, उनके परिवार में जो बीमार है पिता परमेश्वर उनको चंगा करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो परमेश्वर हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर, धरती आकाश को बनाने वाले हैं पिता परमेश्वर, आपने जो भी कुछ पिता परमेश्वर बनाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख के संकट की मुसीबत में पिता आप साथ देने वाले हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो शक्तिशाली हैं पिता परमेश्वर, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है वो किसी प्रकार के भय से नहीं डरता पिता परमेश्वर, ना ही किसी प्रकार के दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से डरता है। मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आपने पिता परमेश्वर बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में कार्य किया पिता परमेश्वर, बहुत लोगों को पिता परमेश्वर आशीष दी है, उनके घरों को पिता परमेश्वर आपने संभाल कर रखा है, उनके घर को पिता परमेश्वर इतना अच्छा कर दिया है, उनके परिवार में जो लोग हैं पिता, उनके सदस्यों को पिता आपने इतना अच्छा मन दिया है पिता परमेश्वर, उनको परिवार में नौकरी दी पिता परमेश्वर, चंगाई दी पिता परमेश्वर, कर्जा से मुक्त किया पिता परमेश्वर, दुख से मुक्त किया पिता परमेश्वर, मुसीबत में उनका साथ दिया पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। देश और संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, इस दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, आज उनको बचाएंगे आप, उनको ब्लेस करेंगे, उनको आशीष देंगे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। उनके जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं पिता परमेश्वर। उनके मैरिज हो पिता परमेश्वर, किसी प्रकार के संकटों से चल रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से इस समय अपने घरों में बैठे हैं पिता परमेश्वर, जानते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता है पिता परमेश्वर, किसी भी रूप में किसी भी पिता परमेश्वर की मदद कीजिए मेरे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, उनको ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, उनको सख्त जरूरत है इन चीजों की पिता परमेश्वर। उनके परिवार में जो बीमार हो चुके हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अगर कोई मसीह भाई बहन बहुत कर्जा में डूबा हुआ पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा पिता, यीशु मसीह के नाम से उनके कर्जों को पिता मुक्त हो जाए पिता, यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे राजा उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर, आपने संसार से इतना प्रेम किया है पिता परमेश्वर कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है ताकि जो कोई ईश्वर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, क्योंकि आपका वचन पिता परमेश्वर जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 91 और वचन नंबर 6 में परमेश्वर आपने कहा है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पिता परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता में लिखा हुआ है, दाऊद ने हमें समझाया है कि परमेश्वर से किस तरीके आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है और परमेश्वर हमारी किस तरीके से मदद करता है, किस तरीके से सहायता करता है। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस करता है, उनको आशीष देता है। इसलिए परमेश्वर से आप विनती और प्रार्थना करें, जैसे परमेश्वर ने कहा था आने वाले समय में लोगों के जीवन को मैं बहुत सारी समस्याओं से मैं निकालूंगा, बहुत सारे के जीवन दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, मुसीबत आएंगी। परमेश्वर ने बहुत समय पहले अपने लोगों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने कहा था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तू कभी न डरना किसी भांति, किसी प्रकार से न डरना। इसीलिए परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की विपत्ति से बचा करके रखेगा मेरा परमेश्वर यहोवा।
इसीलिए प्रभु सब की स्तुति हो, महिमा हो, आपको धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर। आज हर एक मुसीबत में इनके परिवार के लिए, घर के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। दुख और मुसीबत में पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की बीमारियां हो, रोगाणु हो, विषाणु हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो, घर में निर्बलताएं आ चुकी है, मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। किसी के घर में पैसे नहीं पिता, इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे जिंदा हो परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे खुदावन आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर आपको वचन कहता है पिता, जब हम 8 को पढ़ते हैं पिता, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि को करेगा और देखेगा दुष्टों के अंत को। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, तू अपनी आंखों की दृष्टि से देखेगा और करके देखेगा जो दुष्टों का अंत को देखेगा। आज इस संसार में बहुत सारी बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी है, बुद्धि दी है कि परमेश्वर ने कहा है तू अपनी आंखों की दृष्टि करके देखेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा है तू अपनी आंखों से बुराई करने वालों को और उसका बहुत जो भी उसके जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं उसके अंत को तो देखेगा। और धैर्य रखना, पेशेंस रखना हर एक मसीह भाई बहन से जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर ने कहा जिसने धैर्य रखा है, जिसने पेशेंस रखा है, जिसने संतोष किया है, परमेश्वर उसके जीवन में इतना ब्लेस किया, इतना आशीष दिया है कि आज परमेश्वर की स्तुति करता है, महिमा करता है, उसको धन्यवाद करता है। इसीलिए परमेश्वर 10 में कहते हैं, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमें बनाने, पिता परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर में बने रहने में तेरे जीवन की कभी भी कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कभी अपने जीवन में कभी दुख को देखेगा और मुसीबत को, अनेक प्रकार की समस्याओं को, अनेक प्रकार की दुर्बलताओं को कभी नहीं तू देखेगा, न किसी प्रकार को कर्जा देखेगा, न अपने घर में दुख को देखेगा, न मुसीबत को देखेगा, न किसी प्रकार की समस्याओं को देखेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तू चिंता मत कर, विश्वास कर, परमेश्वर अभी जिंदा है। जिसने तुझे बनाया है, जिसने संसार को रचा है, जिसने धरती आकाश को बनाया है, वो हमारा खुदा इकलौता है, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा खुदा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की विपत्तियों से आपने हमें बचा करके रखा मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंद आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन को ब्लेस करिए, उसको आशीष दीजिए, उसको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए मेरे परमेश्वर। हम धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमें वचन दिया पिता परमेश्वर, उसमें इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हमें बहुत पिता परमेश्वर ताकत मिलती है पिता परमेश्वर, सामर्थ्य मिलती है पिता मेरे खुदावंद। धन्य है पिता परमेश्वर, हम क्या आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी वचन हो पिता परमेश्वर, आपकी दया से, आपकी कृपा से पिता परमेश्वर, इस समय जो चीज की जरूरत है पिता, आप हमें वही दे रहे हैं। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के अंधकार के बल के शक्तियों से दूर करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हमें हर प्रकार की समस्याओं से बचा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज जो मसीह भाई बहन प्रार्थना विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, उनके जीवन को ब्लेस कीजिए, उनको आशीष दीजिए, उनको समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्य मेरे राजा उद्धारकर्ता परमेश्वर, धन्य मेरे राजा परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आप ही स्तुति हो पिता परमेश्वर। हे मेरे राजा पिता परमेश्वर, आपने कहा है 15 में, इसलिए परमेश्वर कहते हैं, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं संकट के समय में रहूंगा जब तुम मुझको पुकारोगे। परमेश्वर ने कहा है जब तुम मुझसे प्रार्थना करके मुझसे पुकारोगे, शाम हो सुबह हो किसी भी टाइम परमेश्वर के समय प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, और परमेश्वर आपकी बातों को, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे संकट के समय में तेरी हर संग रहूंगा और तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तेरे तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बचा करके रखूंगा और उसकी महिमा मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आपको धन्य कहते हैं बेटा परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा है जब वह, परमेश्वर ने कहा है ध्यान से वचनों को सुनिए जो परमेश्वर ने हमें दे रहा है इस प्रार्थना में। परमेश्वर हमें ब्लेस के लिए, आशीष के लिए प्रार्थना में जो वचन दे रहा परमेश्वर, बहुत सामर्थी है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने कहा है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में
उसके संग रहूंगा, उसको बचा करके उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, परमेश्वर का वचन सच्चा और पवित्र है, इसीलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। तू जब भी संकट में होगा परमेश्वर को पुकारेगा, वह जल्द ही तेरी सहायता करने के लिए आएगा और तुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से बचाएगा। तेरा परमेश्वर तेरा यश को, तेरा वैभव को परमेश्वर तेरा बचाएगा और तेरे जीवन को और ऊंचा स्थान पे ले जाएगा और ऊंचा बढ़ाएगा। मेरे खुदावंद आज बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन को ब्लेस करेंगे, आशीष देंगे, उनको ज्ञान देंगे पिता परमेश्वर, कि आपसे वो प्रार्थना करें, विनती करें। मेरे खुदावंद आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपने भजन संहिता अध्याय 121 में पिता परमेश्वर आपने कहा है, वहां पे आप पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है, मैं जो अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? परमेश्वर से मिलेगी, वही मेरा सच्चा खुदा है, वही मेरा परमेश्वर है। अपनी आंखें मैं सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, उसके पर्वतों की ओर लगाऊंगा, जहां पर मेरा परमेश्वर है, जहां मेरा परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, उसकी ओर मैं प्रार्थना करके मन लगाऊंगा और अपनी आंखों की दृष्टि करके मैं देखूंगा कि परमेश्वर मेरा खुदा मुझे बहुत जल्दी हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से मेरा परमेश्वर मुझे बचाने वाला है और मुझे हर प्रकार की मेरी सहायता करता है और मुझे सहायता उसी से मिलती है। इसीलिए मैं आज हर एक मसीह भाई बहन को कहता हूँ कि परमेश्वर के वचन विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। हमें हम सबको मिलकर के प्रार्थना करना है परमेश्वर को और उसको धन्यवाद करना है। मेरे खुदावंद आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं अपनी आंखें हमेशा परमेश्वर पर लगाऊंगा, क्योंकि उसके वचन में लगाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है, ज्ञान दिया है कि परमेश्वर के वचन को और मैं अपनी आंखों की दृष्टि करूंगा और परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा। आज इस समाज में लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए, सभी के लिए, दुखों के लिए, जो दुख में पड़े हैं, मुसीबत में है, क्लेश में है, कर्जे में है, अनेक प्रकार की समस्याओं में ग्रसित है, घर में समस्या है, परिवार में किसी तरीके से नहीं चल पा रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ। मेरे परमेश्वर आज उनको ब्लेस करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मैं परमेश्वर के वचन की ओर, हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाए और प्रार्थना करे, विश्वास करे कि परमेश्वर हमारा सहायता करने वाला है, हमारा यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर 3 में कहते हैं, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरे रक्षक कभी वो उगेगा नहीं, कभी हमारा परमेश्वर उगेगा नहीं। कब कितना भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे दुआ करें, विनती करें, परमेश्वर हमें हर प्रकार की विपत्तियों से हमारा बचाने वाला यहोवा परमेश्वर है। धन्य है मेरे राजा, उद्धारकर्ता, जीवन और स्वास्थ्य देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। तू जब कभी भी कहीं जाएगा, तेरे दुख कभी तेरे संकट के किसी मुसीबत में ना पड़ेगा, न दुख तेरे देरे निकट आएगा, न तुझे कभी किसी प्रकार की सहायता लेने की किसी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है, वो हमें हर प्रकार की सहायता से हमेशा लड़ता है, हमारे साथ रहता है, हमें हर प्रकार की सहायता करता है, हर प्रकार के दुष्ट को अंत करता है। हमारा खुदा पवित्र है। इसीलिए आज मैं हर परिवार के लिए पिता परमेश्वर चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, नौकरी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो आने वाले समय में कुछ दिन के बाद बहुत जरूरी है मेरे परमेश्वर। घर परिवार में पिता परमेश्वर किसी प्रकार की समस्या है, बीमार पड़े हैं घर में, इसी मसीह के नाम से आज वो चंगे हो पिता परमेश्वर। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावंद। आज उनको आप ब्लेस करेंगे, उनको आशीष देंगे पिता परमेश्वर। जिनके घर में मसीह भाई बहन के जीवन में कर्जे हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उस कर्जे से दबे हुए हैं पिता परमेश्वर, विश्वास करिए परमेश्वर आपके कर्जे को ब्लेस करने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है। आपके हर एक कर्जे माफ होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। उनके दुख को, मुसीबत को पिता आप देखने वाले हैं परमेश्वर। और जिन मसीह भाई बहन के परिवार में शांति नहीं है पिता यीशु मसीह के नाम से, जिनके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, और जिन पति पति और बीच में लड़ाई हो गए, झगड़े हो गए पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। उनके परिवार में सुख दीजिए पिता परमेश्वर, खुश रखिए, उनको ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए। आज ऐसा कर दिए पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। धन्य मेरे राजा, उद्धारकर्ता, जीवन और परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई और महिमा करो उसकी, क्योंकि उसका जीवन अनंत है, वो हमें जीवन अनंत देने वाला हमारा परमेश्वर है, वही हमारा सब कुछ है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन।